नमस्कार, समाचार इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं भारत कोठियाल। पछवादून क्षेत्र में शासन प्रशासन की अनदेखी के चलते आबकारी नियम कायदों की शराब के ठेकेदारों द्वारा धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। क्षेत्र में संचालित शराब के ठेकों पर नियमों का पालन कराने की पूरी जिम्मेदारी आबकारी विभाग की है, लेकिन क्षेत्र में आबकारी विभाग की लापरवाही के चलते अंग्रेजी शराब की दुकानों पर ग्राहकों से मनमानी कीमतें वसूली की जा रही हैं। अंग्रेजी शराब की दुकान पर अक्सर शराब की बोतलों पर निर्धारित मूल्य से अधिक राशि वसूलते नजर आ जाते हैं। आपको बता दें, जिस कारण ग्राहक अपने को ठगे जाने को लेकर शराब के दुकानदार से निर्धारित मूल्य से ज़्यादा रकम वसूलने का कारण जानने की कोशिश करते हैं, तो दुकानदार ग्राहकों को धमकाकर कहते हैं कि जाओ, जहां मर्जी जाकर हमारी शिकायत करनी है कर दो, हमारी सब जगह सेटिंग है, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। अब बताइए भैया, आप इसमें 245 का रेट है, आप 310 का क्यों बेच रहे हैं? सर, एक तारीख से इसका रेट 310 हो गया। सर, आप हमारे पास नई रेट लिस्ट है आपका रेट। अच्छा, डेट होगा इस चीज़ का? कैश वाउचर दे दो। हंगाम क्यों उतार रहे डक्के का सामना? हर जगह होता है, सब लोग बोलो ना, खड़े हो गए। क्या हुआ, आपकी समस्या क्या है बताओ? ये समस्या, आप रेटिंग ले रहे भाई सब लोगों से, किसी को नहीं बगस रहे, किसी को भी। जब इस पूरे मामले पर हमारे संवाददाता ने ग्राहकों से बात की तो ग्राहकों द्वारा बताया गया कि मैकडॉल, जो कि एक शराब कंपनी है, उसकी हाफ बोतल पर निर्धारित मूल्य 245 होने के बावजूद उनसे 320 रुपए वसूले जा रहे हैं। जब ग्राहक द्वारा बिल मांगा गया तब जाकर उसको 310 रुपए का बिल दिया गया। जो कोई कहने सुनने वाला ना होने की वजह से ये शराब की दुकानों के संचालक ग्राहकों का उत्पीड़न कर रहे हैं। समस्या क्या है आपकी? समस्या है कि हमें सही रेट में मिलनी चाहिए, जो रेट उसके पास पड़ा बोतल के ऊपर। 245। अच्छा, कितने की ली आपने? ये दी 200, 320 की। 320 की, 320 की दी आपको। हाँ, पछवादून क्षेत्र में यह कोई नई बात नहीं है कि ग्राहकों से ज्यादा पैसे वसूले जा रहे हो। ये सिलसिला तो लगातार कई वर्षों से इस क्षेत्र में चला आ रहा है। ग्राहकों का उत्पीड़न लगातार जारी है। ग्राहकों से हर नग पर 10 से 40 रुपए तक अधिक लिए जा रहे हैं। शराब दुकानों पर निर्धारित कीमत से अधिक राशि वसूलने के बारे में जानकारी आबकारी विभाग के अधिकारियों को होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। भाई साहब, समस्या ये है कि मैं यहाँ पे अपने, मेरे यहाँ कोई रिश्तेदार आया हुआ है, उनके लिए शराब लेने आया था। ऐसे तो हम लेते नहीं हैं, लेकिन अभी जब मैंने इस पर देखा तो ये ओवर रेटिंग है। कुछ इस पर रेट कुछ है, ये कुछ और लोगों को कुछ रेट पे दे रहे हैं। मतलब क्या प्रिंट रेट है इस पर? इस पर प्रिंट रेट है 245। कितने की दी आपको ये? 310 की, 320 की दे रहे हैं हमको। तो मैंने इनसे पूछा कि भाई ऐसा क्यों लूट रहे हो आप लोग, जनता को ऐसी तरह से क्यों वो कर रहे हो कि गरीब आदमी कोई वाइन लेने आता है यहाँ पे, तो आप लोग जो है इनको ओवर रेटिंग में जो है इनके शोषण कर रहे हैं, इनको इनसे जो ओवर रेटिंग ओवर वो ले रहे हैं। अच्छा, कहाँ से ली थी आपने? सर, ये मैंने यहाँ से जो विकास नगर में जो ठेका है वहाँ से ली थी। अच्छा, हाँ, पेट्रोल पंप के सामने? पेट्रोल पंप के सामने, जो विकास नगर पेट्रोल पंप के सामने जो ठेका है मैंने वहाँ से लिया ये। ये सभी को इस रेट पर दे रहे थे? हाँ, जो जितने भी लोग वहाँ पे थे, जब मैंने भी देखा तो बहुत सारे लोग वहाँ पे इकट्ठे, तो सभी लोगों की यही शिकायत थी कि जो है ये जो है सभी को इसी रेट पे दे रहे हैं और इस पे कुछ रेट हैं और ये हम इसको जो है ओवर रेटिंग पे दे रहे हैं। ठीक। राजीव खान, समाचार इंडिया। इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए समाचार इंडिया के साथ, खबर से लेकर असर तक। नमस्कार।